कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां पर डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली एंथनी नवीद ने कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन की जानिब से दिए गए इशाइया में शिरकत की। इस मौका पर कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एंथनी नवीद को डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली और मारून लोगों को निशान इम्तियाज मिलने की खुशी में सेंट पैट्रिक हाई स्कूल के अहाते में इशाइया का एहतमाम किया। इस मौका पर मेम्बर सिंध असेंबली सादिया जावेद ने भी खसूसी शिरकत की। तकरीब के शुरुआत अंजील मुकदस, कुरान मजीद और भगवद गीता के मुकदस इकतसाबा से किया गया, जबकि मिस्टर डैनजल डिसोजा एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कैथलिक एजुकेशनल बोर्ड ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौका पर बच्चों ने टैबलोस पेश किए और मेहमानों को सिंधी टोपी और अजरक के तोहफे भी पेश किए गए। स्कूल इंतजामिया की जानिब से डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली एंथनी नवीद की जिंदगी पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। इस मौका पर डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली एंथनी नवीद आप दीदा हो गए और अपने ख्याल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर आना मेरे लिए इंतहाई खुशी है और मुझे अपने उस्तादा को यहाँ देख कर बहुत खुशी हुई। मुझे फख्र है कि मैं सेंट पैट्रिक टेक्निकल स्कूल का तालिब इलम हूँ। हमारे सब मसलों का हल सियासत में है, हमको सियासत में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली ने मजीद कहा कि सख्त मेहनत और लगन से मंजिल हासिल की जा सकती है। मंजिल को वही पा सकते हैं जो ख्वाब देखते हैं और वजन रखते हैं। मेरा डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब होना चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वजन का हिस्सा है। ये ख्वाब भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने देखा। अकलियती बरादरी से ताल्लुक रखने वाला शख्स एक दिन इस मुल्क का वजीर आजम बनेगा।